हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मेरे चैनल पर आई है भिंडी काली मिर्च की एक ऐसी टेस्टी सी रेसिपी कि इसकी सब्जी को आप देखेंगे, खाएंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी है दोस्तों, और मैंने भी जब इसे बनाया तो हमारे घर वाले इसे खाते रह गए। तो चलिए, ये रेसिपी आज मैं आप सबके लिए भी शेयर करती हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं भिंडी काली मिर्च। तो इसके लिए हम यहाँ पर फ्रेश वाली भिंडी लेंगे। भिंडी को मैंने क्या किया है कि पहले अच्छे से वॉश करके रख दिया है। वॉश करने के बाद इसका पानी सुखा लें, उसके बाद से जो है, चलिए हम देख लेते हैं कि भिंडी को हमें यहाँ चॉप कैसे करना है। भिंडी को हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से चॉप करने वाले हैं। बस इसका ऊपर का हिस्सा निकालेंगे, नीचे का सिरा काट देंगे, और बस भिंडी को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर भिंडी आपने बड़ी वाली ली है, जो काफी बड़ी वाली हाइब्रिड भिंडी होती है, तो फिर भिंडी को आप दो पार्ट में लंबाई में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल भिंडी ली है, इसलिए मैं यहाँ पर भिंडी को इसी तरह से ऊपर और नीचे का हिस्सा काट काट कर रखती जाऊंगी। भिंडी हमारी पहले से वॉश है, इसके बाद से हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। भिंडी कट कर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। ध्यान रखें कि आप भी कोई ऐसा ही छिछला बर्तन ही लें जिसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने रखा है। इसमें हम डालेंगे अब जो है थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक मैंने लिया है, हाफ टी स्पून के लगभग। और नमक डालने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले लें, और पानी को उबाल आने तक गरम करते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब इसके बाद से हमने जो भिंडी काट कर रखी है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। है ना दोस्तों, ये एकदम न्यू सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी भी है ये रेसिपी, तो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भिंडी को 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही हाई फ्लेम पर। भिंडी हमारी यहाँ पर हाफ कुक हो जाएगी, और अभी आप देख रहे हैं कि भिंडी के पानी में काफी अच्छा सा उबाल आ गया है, और इसे मैंने 3 से 4 मिनट इस तरह से बॉयल किया है। अब हम क्या करेंगे कि किसी छन्ने से भिंडी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, और मैं सारी भिंडी को एक साथ ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर इसे पानी से निकाल कर किसी पैन में रख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बॉल में रखा है। अब इसके बाद से दोबारा एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर हम डालेंगे ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा वाटर डाल दें इस बर्तन में। इससे क्या होगा कि भिंडी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, भिंडी ज्यादा लिसलिसी नहीं होगी, क्योंकि 50% हमने इसे कुक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के बाद भिंडी को मैं पानी से छान कर किसी छन्ने में डाल दूंगी, इसे साइड करेंगे। और अब चलिए सब्जी का तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून जीरे का तड़का, जीरे को तड़का लिया है। इसके बाद से 2 प्याज है जिसे रफली चॉप किया है, और प्याज को मैंने यहाँ पर मिनी चॉपर से चॉप किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा पेस्ट बनाकर भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। प्याज को हम पहले गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारी अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है, और प्याज जब ऐसी इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें अपनी बाकी की चीजें ऐड करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने मसालों को रेगुलर तरीके से नहीं डाला है, बहुत ही अलग तरीके से इस सब्जी में मसाले गए हैं, तो आप जरूर देखिएगा पूरा प्रोसेस। अभी यहाँ पर गई है 1 टीस्पून धनिया। धनिया को प्याज के साथ मिक्स करके 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैं धनिया को प्याज के साथ भून रही हूँ। इसके बाद से 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा 30 से 40 सेकेंड फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्चें जब भून जाए तब इसके बाद से मैं ले रही हूँ लहसुन की 4 से 5 कलियां जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, साथ ही अदरक का एक छोटा टुकड़ा, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। दोनों चीजों को हम 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक कि लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल ना निकल जाए। और सारा ये काम आपको करना है सिम फ्लेम पर, जिससे मसाले हमारे जले नहीं, क्योंकि मसाले हम 1 बाय 1 करके डाल रहे हैं, साथ ही प्याज भी एकदम ड्राई है तो मसालों के जलने का डर होगा। अब यहाँ पर जा रही है हल्दी का पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून है, और हल्दी के पाउडर को भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अभी हमारी हल्दी जो है फ्राई हो गई है। इसके बाद से यहाँ पर जा रही है टोमेटो प्यूरी। तो सिंपल 2 टमाटर लाल वाले लेकर मैंने इनको मिक्सी में चला लिया, मिक्सी के जार को भी धुल कर पानी डाल दिया है, और अब इस टमाटर की प्यूरी को हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अभी जो है हमारे मसाले गीले हो गए हैं, हम क्या करेंगे कि इस मसाले को ढक कर और सिम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये मसाला थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है, टमाटर वाला जो मसाला होता है। तो चलिए इसे ढक्कन लगाकर मैं छोड़ती हूँ सिम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद मसाले को चेक करते हैं। आप देख रहे हैं ऑयल जो है निकलने लगा है मसालों से, इसका मतलब मसाला हमारा एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। आप देख रहे हैं ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, तो ऑयल भी स्क्वीज होने लगा है, इसका मतलब से कि ये हमारा टमाटर का मसाला पककर तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पर जाई हुई हमारी बॉयल करी हुई भिंडी, भिंडी को मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने भिंडी को तो फ्राई किया ही नहीं, पर इस सब्जी में भिंडी को फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब्जी ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से मिला लीजिए,
और अब इसके बाद से कुछ एक इम्पोर्टेंट मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी जो कि है 1 टीस्पून भर के। इसके बाद से वो मेन इंग्रेडिएंट जो कि इस सब्जी का नाम में आता है जो कि है काली मिर्च, ब्लैक पेपर का पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च को दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं पर वो मुंह में आती है और हमारे घर में बच्चे भी हैं तो बच्चे नहीं खाते, तो मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है जो कि रेडमेड वाला होता है। साथ ही 1 टीस्पून भर के अमचूर का पाउडर है। अमचूर का पाउडर नहीं है तो आप किसी भी दूसरी खटाई का यूज कर सकते हैं जैसे कि अनारदाने का पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए और ये काली मिर्च का फ्लेवर इस सब्जी में सबसे बेहतरीन आता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का यूज किया है, काली मिर्च का यूज किया है, लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। इसी वजह से क्योंकि इस सब्जी का नाम ही है भिंडी काली मिर्च या फिर काली मिर्च वाली भिंडी, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ काली मिर्च का यूज कर रहे हैं। और अब मैं क्या करूंगी कि ढक्कन लगाकर सिम फ्लेम पर सब्जी को पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद सब्जी का कलर बहुत ही टेम्पटिंग हो चुका है, मसाले अच्छे से पक चुका है और अब टाइम है इसमें बाकी का नमक ऐड करने का। थोड़ा नमक हमने भिंडी को बॉयल करते समय डाला था, बाकी का नमक हम यहाँ पर डालेंगे। और नमक के डालने के बाद आप देखेंगे कि मसालों और पेस्ट का थोड़ा सा कलर और चेंज होगा और भी सब्जी में बढ़िया सा कलर आएगा। तो नमक को मिक्स करके थोड़ा सा इसे फ्राई कर लें। मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए कढ़ाई में ही सिम फ्लेम पर छोड़ दूंगी जिससे जो मसालों में गीलापन है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि ये सब्जी हमारी एकदम ड्राई बनती है जो कि पूड़ी या पराठों के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी से भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे अच्छे से मिलाते हुए मैं इसे छोड़ूंगी सिम फ्लेम पर जिससे कि भिंडी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो चलिए इसे मैं छोड़ती हूँ 1 मिनट के लिए और 1 मिनट के बाद आप देख रहे हैं सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है क्योंकि ऑयल जो है वो कहीं कहीं से उज आउट हो रहा है, इसका मतलब सब्जी हमारी फ्राई है। और अभी नीचे से ये कढ़ाई में लगने लगी है, सब्जी एकदम बनकर रेडी है। इसे मैं सर्व करूंगी और इस सब्जी को आप घर में अपने सर्व करिए किसी भी चीज के साथ या फिर साइड डिश के तौर पर या फिर रोटी और दाल के साथ ये सब्जी परोसिए, पराठों के साथ दीजिए, पूड़ियों के साथ इंजॉय करिए। सब्जी बहुत ही टेस्टी है, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई होगी और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में और हाँ अपने कमेंट से मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।